चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। चलिए तो बच्चे लोग, हम लोग डिपार्टमेंटल चैप्टर में टोटल 3 क्वेश्चंस बना चुके हैं। 2 क्वेश्चन छोटा छोटा हम लोग पढ़े थे और 1 बड़ा क्वेश्चन पढ़े थे, और आज एक बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। शुरू किया जाए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। ये ऑलरेडी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, ये स्कैनर का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या क्या डिटेल कह रहा है, पहले हम डिटेल पढ़ते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, क्या है भैया, हिम्मत गैजेट एंड इक्विपमेंट कंपनी। चलिए, एक कंपनी है जिनका ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम लोगों को बनाना है। अब देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है इनके साथ और प्लस पॉइंट है, इसको देखते हैं। ये लोग चार्ज ईयरफोन चार्जर और स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं। क्या क्या है भैया, ईयरफोन चार्जर और स्पेयर पार्ट। तो इन्होंने ईयरफोन परचेज किया है 3,51,750 का, चार्जर 2,26,500 का, और स्पेयर पार्ट 1,61,000 का। ओके, सैलरी और वेजेस जो टोटल पेमेंट किया जा चुका है वो है 1,20,000 रुपए का। हम लोगों ने रेंट का रीएम्बर्समेंट कितना किया है, 27,000 रुपए। सन्ड्री एक्सपेंसेस पे अगर हम बात करें तो 27,500, और प्रॉफिट हमारा टोटल हुआ है 86,250 रुपीस। ये डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद ईयरफोन का सेल्स कितना हुआ है बच्चों, 3,37,000। चार्जर हमने कितना बेचा, 2,00,000। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, अगर हमें डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाना है तो हम अच्छे से जानते हैं कि परचेज हमेशा हमारा ट्रेडिंग और पीएल के डेबिट साइड जाता है और सेल्स हमेशा हमारा क्रेडिट साइड जाता है। पक्का? बिल्कुल, यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद आप देखो क्लोजिंग स्टॉक, आपको क्लोजिंग स्टॉक का भी डिटेल दे दिया, ईयरफोन का क्लोजिंग, चार्जर का क्लोजिंग और स्पेयर पार्ट्स, यानी डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट ए में ईयरफोन, डिपार्टमेंट बी में चार्जर और डिपार्टमेंट सी में स्पेयर पार्ट्स। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। आगे कहता है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स फॉर ईच ऑफ द 3 डिपार्टमेंट। हमें क्या करना है, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाना है तीनों डिपार्टमेंट के। ओके, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट फॉलोइंग। पहला पॉइंट में देखिए क्या बोलता है, ईयरफोन एंड चार्जर आर सोल्ड एट शोरूम। ईयरफोन और चार्जर कहां से बिक रहा है, शोरूम से बिक रहा है। स्पेयर पार्ट कहां से बिक रहा है, वर्कशॉप से बिक रहा है। सैलरी एंड वेजेस का क्या क्या सिनेरियो है समझिएगा। तो कहता है कि जो सैलरी और वेजेस हम लोग पे कर रहे हैं शोरूम पे 3/4 एंड वर्कशॉप पे 1/4। तो इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है, 3/4। आइए, इट वॉज डिसाइडेड टू एलोकेट द शोरूम सैलरी एंड वेजेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। अच्छा, आप जानते हो कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो पीएल में जाता है और डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा ट्रेडिंग में जाता है। ये सब चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए दिमाग शांत करते हैं और वर्किंग नोट करके एलोकेशन पर आते हैं सबसे पहले। अच्छा देखिए, सबसे पहला पॉइंट पे एलोकेशन हम ये कर देते हैं, सैलरी एंड वेजेस। तो देखिए सैलरी और वेजेस टोटल कितना लगा है बच्चों, 1,20,000। ऑनलाइन वाले बच्चे तो स्पेशल ध्यान से देखिएगा, सैलरी हमारा टोटल लगा है 1,20,000। अब कहता है बच्चों कि 3/4 शोरूम में चला गया और 1/4 कहां चला गया, शॉप है ना, वर्कशॉप 1/4। अच्छा, शोरूम से 2 चीजें बिक रही है, क्या क्या, ईयरफोन और चार्जर। और कहता है कि इसका रेशियो आप लगा दो 1:2 का। पक्का? डन? Yes, yes, आ जाओ तो हम लोग इसका वर्किंग नोट करते हैं और हम आपके लिए एकदम सिंपल वे में इसको सॉल्व कर दिए। तो ये बताइए कि सैलरी और वेजेस हमारा टोटल कितना लगा, वेरी गुड। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 शोरूम और 1/4 वर्कशॉप। तो पहले मैंने 1,20,000 रुपए को बांट दिया, आप कैलकुलेटर उठाकर बांटो। तो देखो शोरूम में कितना जाएगा,
90,000 और वर्कशॉप में कितना जाएगा? 30,000। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि शोरूम में आप किस रेशियो में बांट देना, 1:2। आ जाओ वापस देखो, वापस देखो, अगर आपको कंफ्यूजन है ये देखो, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एलोकेट द शोरूम सैलरी एंड वेजेस इन रेशियो ऑफ 1:2। तो डिपार्टमेंट ए में 1 और डिपार्टमेंट, हाँ, यानी कि डिपार्टमेंट ए में 1 के रेशियो में और डिपार्टमेंट बी में 2 के रेशियो में। तो डिपार्टमेंट ए से बिकेगा ईयरफोन और डिपार्टमेंट बी से बिकेगा चार्जर। वेरी गुड। तो देखो मैंने भी क्या किया कि इसको बांट दिया, पहले शोरूम में अलग किया, उसके बाद 1:2 के रेशियो में बांट दिया। तो ए डिपार्टमेंट में 30,000 और बी डिपार्टमेंट में 60,000। आप कैलकुलेटर पे बांट के देखिए ना, आ जाएगा। अच्छा, डिपार्टमेंट ए में हम लोग क्या बेच रहे हैं? ईयरफोन। और डिपार्टमेंट बी में चार्जर। वेरी गुड। कोई दिक्कत? तो सर आपको तो बहुत आसानी से तीनों डिपार्टमेंट का डिटेल मिल गया। हाँ भाई, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट ए में सैलरी गया 30,000, डिपार्टमेंट बी में गया 60,000, डिपार्टमेंट सी में गया 30,000। सिंपल। यानी डिपार्टमेंट ए से क्या बिक रहा है? ईयरफोन, चार्जर, स्पेयर पार्ट्स। आगे बढ़े। क्या आपको बहुत भारी लगा? नहीं सर, ये बहुत भारी थोड़े ना है। आइए उसके बाद हम लोग आते हैं वर्कशॉप के रेंट पर। जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा दिमाग शांत करके क्वेश्चन को समझिएगा और क्वेश्चन तो जरूर से पढ़िए। देखिए कहता है वर्कशॉप रेंट कितना है हमारा? 1250 पर मंथ। कहता है द रेंट ऑफ शोरूम इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड बी। एक बात बताओ यार, हम टोटल रेंट कितना पे कर रहे हैं? नहीं नहीं, 27,500। नहीं नहीं, पूरा पूरी 27,000। पूरा पूरी हम रेंट कितना पे कर रहे हैं? 27,000। इसमें से बच्चों अकेले वर्कशॉप, वर्कशॉप का मतलब जहां से स्पेयर पार्ट्स बिक रहा है, उसका रेंट कितना जा रहा है? 1250 पर मंथ। 1250 पर मंथ। तुम्हें बताओ, हम 6 महीने का डिटेल निकाल रहे हैं, 6 मंथ का है ना। कैसे पता चला कि 6 मंथ का है? वेरी गुड, है ना। तो 6 मंथ का रेंट हम पहले क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो देखो ये भी बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ये बताओ टोटल रेंट हमारा कितना लग रहा है? वेरी गुड। ये हमको बांटना होगा किसमें किसमें? दो भाग में। पहले तो शोरूम में और वर्कशॉप में। तो वर्कशॉप में आपका 1250 पर मंथ के हिसाब से 6 महीने का कितना हो गया? वेरी गुड। अब आप ही बताओ, अगर 7500 वर्कशॉप में चला गया तो शोरूम में कितना जाएगा? वेरी गुड, 19,500। और आप जानते हो ना कि आप शोरूम से दो डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहे हो, डिपार्टमेंट ए बी। डिपार्टमेंट ए से आपका ईयरफोन बिक रहा है, डिपार्टमेंट बी से आपका चार्जर बिक रहा है। पक्का? इसका रेशियो क्या लगाना था? 1:2 की 1:1 इक्वली था ना, इक्वली था। तो मैंने इक्वली बांट दिया, कितना आ गया हमारे पास? हाँ, 9,750। तो आप बताओ बच्चे, बहुत आसानी से मैंने डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी का कैलकुलेट कर लिया। डिपार्टमेंट ए में 9,750 का रेंट आ गया, डिपार्टमेंट बी में 9,750 का रेंट आ गया और वर्कशॉप आ गया हमारा 7500। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। चलिए उसके बाद आते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 4 देखिएगा। ये 9 नंबर के लिए क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे, यहां मार्क्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। खैर छोड़िए, अभी मार्क्स को साइड करते हैं, नंबर पे अभी काम नहीं है, अभी हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। चलो
बताओ बच्चे, क्वेश्चन में कह रहा है कि सन्ड्री एक्सपेंस आर टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो सन्ड्री एक्सपेंस टोटल हमारा कितना लगा है बच्चे लोग? 27,500। हमें क्या करना है? एलोकेट कर देना है किसके रेशियो में? टर्नओवर। तो बताओ ना टर्नओवर कितना कितना है डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का और डिपार्टमेंट सी का। देखो कितना है, हम थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करते हैं। आप देखो डिपार्टमेंट ए का सेल्स टोटल कितना है? 3,75,000 और 2,50,000 डिपार्टमेंट बी, और डिपार्टमेंट सी हो गया 62,500। आप इसका रेशियो निकाल लो और रेशियो निकाल के 27,500 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो देखिए मैंने ये काम आपके लिए सॉल्व कर दिया। आप देखो सन्ड्री एक्सपेंस हमारा कितना लगा है? 27,500। वेरी गुड। तो डिपार्टमेंट ए का सेल्स कितना था? ऑनलाइन वाले बच्चे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको विजिबल होगा, क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, सेल्स कितना है? 3,75,000 डिपार्टमेंट ए का, 2,50,000 डिपार्टमेंट बी का और 62,500 डिपार्टमेंट सी का। हम इसका रेशियो लगा लिए और रेशियो के अकॉर्डिंगली बांट दिए डिपार्टमेंट ए में, डिपार्टमेंट बी में और डिपार्टमेंट सी में। तो आप कैलकुलेटर उठाओ और बांट कर देखो कितना कितना अमाउंट आएगा। 15,000, 10,000 और 2,500। आप चेक करो कहीं मैंने गलत तो नहीं कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेटर पे चेक कर लो। कैलकुलेटर नहीं लाए हो, कितने बदमाश बच्चे हो तुम। चलो हम देते हैं कैलकुलेटर तुमको, तुम तो बहुत बदमाश लड़के हो, कैलकुलेटर छोड़ के आए हो। चलो जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ और बताओ क्या है, किस अनुपात, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सभी बच्चे बैठिए मत, थोड़ा कैलकुलेटर निकालिए। बच्चा लोग जल्दी वोटिंग करो भाई, बताओ सही है। वेरी गुड। तो आते हैं क्वेश्चन पे, वापस से चलते हैं। देखिए अब देखो बच्चों क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। सर तीनों डिपार्टमेंट का परचेज दे दिया, डिपार्टमेंट ए जहां से हम ईयरफोन बेच रहे हैं, डिपार्टमेंट बी जहां से हम चार्जर बेच रहे हैं, डिपार्टमेंट सी जहां से हम स्पेयर पार्ट। ऐसे में एक बात बताइए, ये परचेज हमेशा कहां दिखाया जाता है? ट्रेडिंग में कि पीएल में? ट्रेडिंग में परचेज हमेशा ट्रेडिंग में जाता है ना। ओके, सेल्स कहां दिखाओगे आप? ट्रेडिंग में। हाँ सर बिल्कुल, ट्रेडिंग वाले पार्ट में जाएगा। ट्रेडिंग में किस साइड? क्रेडिट साइड। और परचेस किस साइड? डेबिट साइड। वेरी गुड। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तीनों डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो हम ट्रेडिंग में ही शो करेंगे। किस साइड? वेरी गुड। सर ये जो रेंट है मुझे तो डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है, तो सर ये तो पीएल में चला जाएगा। वेरी गुड। और चूंकि ये एक्सपेंस है तो पीएल में डेबिट साइड। सैलरी और वेजेस कहां जाएगा? तहसील। सर ये भी तो पीएल में जाएगा ना सर, ट्रेडिंग में थोड़े जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएल में जाएगा डेबिट साइड। अच्छा इसका मैंने आपको एलोकेशन भी अभी बता दिया है ना, तीनों का एलोकेशन लाया ना डिपार्टमेंट। अच्छा सन्ड्री एक्सपेंस ये भी कहां जाएगा? वेरी गुड। ये भी हमारा जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। अच्छा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ाएं। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाए, सब लोग हेडिंग दिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है। चलिए तीनों डिपार्टमेंट ड्रॉ कर दिए, डिपार्टिकुलर्स,
डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। भाई साहब, तीनों डिपार्टमेंट का मुझे परचेज दिया हुआ था, मैंने तीनों डिपार्टमेंट का परचेज लिख दिया ना, चेक कर लो आप, देखो कितना कितना परचेज है। 3,51,750, 2,26,500 एंड 1,61,000। देखो तीनों डिपार्टमेंट का परचेज लिख दिया हमने, बिल्कुल अच्छा। तीनों डिपार्टमेंट का सेल्स देखो, 3,75,000, 2,50,000 और 62,500। तीनों का हमने क्या लिख दिया, सेल्स। तीनों का क्या लिख दिया, क्लोजिंग। सर डायरेक्ट एक्सपेंस तो दिया हुआ है ही नहीं बच्चों, है दिया हुआ क्या? नहीं ना। चलो आओ कैलकुलेटर उठाते हैं और चेक करते हैं। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ए का आप क्रेडिट साइड टोटल करना, 3,75,000 प्लस 1,50,250, कितना आएगा, कितना आएगा? हाँ वाह, क्या कैलकुलेशन है तुम्हारा। प्लस 1,50,250, वेरी गुड। कितना बोले, 5,00,000? हाँ 5,25,250। अब आप ये बताओ कि परचेस दिया हुआ है, जैसे ही परचेस को हम माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास जीपी बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा? आ जाएगा। तो देखिए डिपार्टमेंट ए का बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 5,25,250 से कितना, 1,73,500। वेरी गुड, इसका मतलब मैंने सही कैलकुलेट किया डिपार्टमेंट ए का। अच्छा डिपार्टमेंट बी पर आइए, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा, डिपार्टमेंट बी का सेल्स है हमारे पास, हाँ 2,50,000, क्लोजिंग स्टॉक है 50,750, जोड़िए, वेरी गुड 3,00,000। चल डिपार्टमेंट बी का परचेज है 2,26,500, डिफरेंस निकालिए, वेरी गुड, यानी ग्रॉस प्रॉफिट सही आया 74,250। डिपार्टमेंट सी पर आइए, जोड़िए कितना आया डिपार्टमेंट सी का टोटल, अरे बच्चों जल्दी जोड़ो, 62,500 डिपार्टमेंट सी का सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक 1,11,500 है, चलिए 1,74,000, वेरी गुड। परचेज माइनस कर दीजिए, 13,000, वेरी गुड। इसका मतलब हम लोगों ने तीनों डिपार्टमेंट का निकाल लिया वैल्यू, तो ये आ गया हमारे पास 5,25,250, ये आ गया 3,750 और ये आ गया 1,74,000 रुपए। कोई दिक्कत? तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोगों ने क्या कर लिया, ब्रॉड डाउन कर लिया। हाँ सर बिल्कुल ब्रॉड डाउन कर लीजिए, इसमें आप कमी क्यों छोड़े हैं, तो चलो आप लोग की बात मान लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हमने ब्रॉड डाउन कर लिया डिपार्टमेंट ए का, बी का और सी का। अच्छा सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने सैलरी, रेंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस को पहले ही बांट लिया था, अगर कुछ बच्चे भूल गए हैं तो चलो वापस से देख लो एक बार। सैलरी का क्या क्या आया था बुआ, डिपार्टमेंट ए का कितना आया था, 30,000, डिपार्टमेंट बी का 60,000 और डिपार्टमेंट सी का 30,000। देखो मैंने बांट दिया 30, 60, 30, पक्का, वेरी गुड। रेंट पर आओ मेरे भाई, देखो तो मैंने रेंट किस तरीके से बांटा था, डिपार्टमेंट ए का कितना रेंट था, डिपार्टमेंट बी का रेंट कितना था, वर्कशॉप का, वेरी गुड। देखो मैंने तीनों को एलोकेट कर दिया। आगे बढ़े सन्ड्री एक्सपेंस पर आ जाओ, देखो तो सन्ड्री एक्सपेंस मैंने सेल्स के रेशियो में बांटा था, क्या बांटा था, हाँ
तो 15,000, 10,000, 2500 पक्का? चलो आते हैं क्वेश्चन पर। देखो 15, 10 और 25, अगर आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर उठाओ और चेक करो तो देखो तो डिपार्टमेंट ए में टोटल मुनाफा कितने का दिख रहा है? 1,73,000 टोटल कर देते हैं, माइनस कर दीजिए 30,000 सैलरी का, रेंट 9,750 और सन्ड्री एक्सपेंस 15,000, 1,18,750 आ रहा है, 250 आएगा। चलिए इसका मतलब कैलकुलेशन एरर हो गया, वेरी गुड। आप कंफर्म हो? एक बार क्रॉस चेक कर लो। एक लाख 18,250। चलिए तो कैलकुलेशन करने से फायदा हुआ ना, इसीलिए आप लोगों को कहते हैं एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। तो डिपार्टमेंट ए का हमारे पास जीपी आ गया, कितना जीपी आ गया भैया? अरे बताओ ना कितना जीपी आ गया? हाँ 1,18,250। अब आते हैं डिपार्टमेंट बी पर। तो डिपार्टमेंट बी का हम लोग सबसे पहले टोटल कर लेते हैं। तो भैया ऐसा लग रहा है कि डेबिट साइड ज्यादा है। हाँ 60,000, 10,000, 70, 70 और 9, यानी कि 79,750 आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट में आ जाएगा 5,500। इसका मतलब डिपार्टमेंट बी में हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा, डिपार्टमेंट बी का डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है और क्रेडिट में कम। अगर डेबिट ज्यादा होता है तो मतलब मेरा खर्चा ज्यादा है, हम लॉस में हैं। कितने के लॉस में? 5,500 रुपए। आ जाए अब बच्चों डिपार्टमेंट सी पे। आप देखना डिपार्टमेंट सी में आपका डेबिट साइड एक्सपेंसेस ज्यादा है। देखिएगा 30,000, रेंट हो गया 7,500 और सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया 2,500। आप टोटल कीजिए तो देखिए आपका डेबिट साइड ज्यादा है, है? वेरी गुड। तो कितना ज्यादा है? ये हो गया हमारा 40,000 टोटल, तो यहां भी तो 40 होगा, तो भैया 27,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा, डिपार्टमेंट सी का आपका बैलेंसिंग फिगर 27,000 निकल रहा है। आप डिफरेंस निकाल कर देखिए ना, डेबिट साइड का टोटल कीजिए 40,000 और 13,000 माइनस कीजिएगा तो 27,000 का आपको लॉस आएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, डिपार्टमेंट ए में हमें प्रॉफिट हुआ, डिपार्टमेंट बी में लॉस आया और डिपार्टमेंट सी में भी लॉस आया। जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो एक्सपेंसेस का एलोकेशन है ना, उसको अगर आप ठंडे दिमाग से शांति से नहीं समझेंगे तो आपको फिर वो मुसीबत लगने लगेगा। तो आपको लगेगा अरे बाप रे तो क्वेश्चन बहुत टफ है, और ये चुकी इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पूछ चुकी है 9 मार्क्स के लिए। तो आप ही बताओ बच्चों, लगा आपको कि ये कोई बहुत तोप है? नहीं, दिमाग को शांत करेंगे, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे भैया कौन सा ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग में जाता है, कौन सा ट्रांजेक्शन पीएल में जाता है, ट्रेडिंग के किस साइड जाएगा, डेबिट में क्रेडिट में, पीएल के डेबिट में क्रेडिट में। अगर किसी एक्सपेंस के एलोकेशन की बात करता है तो उसे हम बांट देंगे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा और शांति से बांट दिया। अगर हम आपको एक सडन बोल देते कि चलो बांटो, तो आप हौच-पौच कर देते उसका, है ना, उसका बना देते तुम ये छाछ, दही अलग कर देते, छाछ अलग कर देते, पता नहीं क्या क्या अलग कर देते। इसीलिए हमने पहले ही आपके लिए वर्किंग नोट कर दिया, ताकि ये ऐसा क्वेश्चन जब हम आपको देंगे होमवर्क में बनाने के लिए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके आगे चले हम लोग। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, तो हम लोग अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।